नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में जो आपने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो आवेदन फॉर्म फिल किए थे, या आपने रुक जाना नहीं द्वितीय भाग में जो आवेदन फॉर्म फिल किए थे, उसके जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 के, वो आ चुके हैं। हम रिजल्ट कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में जो रुक जाना नहीं और मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। वो रिजल्ट हमें ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले mpsos.nic.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, मैं स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर टाइम टेबल, एडमिट कार्ड और उसके नीचे रिजल्ट माइग्रेशन की एक लिंक दिख रही है। तो सिंपल से ये वाली लिंक को हम पर क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें दोस्तों रिजल्ट एग्ज़ाम दिसंबर 2022 सबसे पहले हमें दिखेगा रुक जाना नहीं योजना क्लास 10th एंड 12th। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी, जिसमें रुक जाना नहीं योजना दिसंबर 2022। तो दोस्तों, जिसने भी रुक जाना नहीं योजना दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दी थी, यानी कि सेकंड भाग में जो आवेदन किया था, उसके जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्लास का चयन करना है। तो आपको 10th या 12th जिस भी क्लास का आपको रिजल्ट देखना है, उस क्लास का चयन कर ले। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर है, वो रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के जो रिजल्ट है वो देखने के लिए। दोस्तों, सेम उसके नीचे ओपन स्कूल क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट का एक लिंक दिख रही है। तो सिंपल से ये वाले लिंक पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, ओपन स्कूल दिसंबर 2022 कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों, हमें सिंपल से एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम यानी कि जिस कक्षा का हमें रिजल्ट निकालना है, उस कक्षा का आपको चयन करना है। उसके बाद में जैसे हम रुक जाना नहीं के रोल नंबर डालेंगे, उसी तरीके से दोस्तों हमारे ओपन स्कूल के जो हमारे रोल नंबर है, वो रोल नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम रोल नंबर डालकर कैप्चा कोड डालेंगे और जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल, आप 12th का निकालोगे तो 12th और 10th का निकालोगे तो यहाँ पर 10th दिखेगा। ई मार्कशीट ईयर दिसंबर 2022, जिसमें सबसे पहले MPSOSEB रोल नंबर, यानी कि जो आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर दिखेंगे, एग्ज़ाम सेंटर नंबर एंड एग्ज़ाम सेंटर का नाम दिखेगा, उसके बाद में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और स्कीम, और इधर छात्र छात्रा की फ़ोटो दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों, हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट कोड दिखेगा। जो भी हमने आवेदन फॉर्म फिल करते समय जो सब्जेक्ट कोड का चयन किया था, वो सब्जेक्ट कोड दिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम दिखेगा, मैक्सिमम मार्क दिखेगा और मिनिमम थ्योरी में कितने लाना है और मिनिमम प्रैक्टिकल में कितने लाना है, ये दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो मार्क प्राप्त हुए, जो हमने एग्ज़ाम दी थी और जिसमें जो मार्क हमें प्राप्त हुए, वो नंबर यहाँ पर हमें दिखेंगे। यदि प्रैक्टिकल के होंगे तो प्रैक्टिकल के भी दिखेंगे और टोटल में प्रैक्टिकल और थ्योरी के जोड़कर यहाँ पर टोटल नंबर भी दिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक दिखेगा, यहाँ पर हमें ग्रैंड टोटल दिखेगा और दोस्तों रिमार्क में यदि आप पास है तो पास लिखा हुआ है और SYCT लिखा हुआ है, तो उसके बारे में दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आपको शो होगा। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे आवेदन फॉर्म में जानकारी दी है, उसके अनुसार यहाँ पर हमें जैसे हमारे रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ है, तो संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। SYCP लिखा हुआ है, तो संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। और डिस्टेंस लिखा है, तो 75% या अधिक अंक मिलने के कारण संबंधित विषय में विशेष योग्यता दी गई है। कुछ इस तरीके से जो हमारे रिजल्ट में लिखा हुआ है, उसके बारे में आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, हमें डाउनलोड स्क्रॉल कार्ड पर सिंपल से क्लिक करना है और ये जो रिजल्ट है, इसकी प्रिंट निकाल कर आपको अपने पास रख लेनी है।
दोस्तों ये रिजल्ट आप अपने पास प्रिंट निकाल कर रख ले और उसके बाद में जो भी आपका एग्जाम सेंटर था उस एग्जाम सेंटर पर आपको जाना है और उसी एग्जाम सेंटर पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ से प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में रुक जाना नहीं योजना और जो दिसंबर 2022 के एमपी ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के आवेदन फॉर्म फिल किए थे और जिनकी एग्जाम हुई थी उनके रिजल्ट आपको इस तरीके से प्रिंट करना है और प्रिंट निकालने के बाद में रिजल्ट का जहां भी आपको उपयोग में लेना है उपयोग ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।